फ्री फायर एक ऐसा समय जहाँ पर सबसे पहले लोगों ने कदम रखना शुरू किया। एक ऐसी दुनिया थी वो जहाँ पे एक अलग ही माहौल बना रहता था, एक अलग ही लोगों में जुड़ाव था, एक अलग ही फील था और एक अलग ही दुनिया थी जिसको खेलने में लोगों को काफी ज्यादा मजा आता था। ये कहानी है 2018 की, जहाँ पे एक साथ कई सारे लोगों ने इस दुनिया में कदम रखा और एक ऐसी दुनिया बन चुकी थी जहाँ पे एक हसीन लम्हा हुआ करती थी। एक ऐसी दुनिया थी जहाँ पे न भेदभाव होती थी, न किसी के प्रति जलन हुआ करता था। एक जैसी दुनिया थी, सारे लोग एक समान थे, कोई भी भेदभाव नहीं हुआ करता था। लेकिन अब ये पूरी तरीके से बदल चुकी है और एक ऐसा गेम बन चुका है जो कोई भी इसमें खेलना पसंद नहीं करता है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है, एकदम सब बेकार हो गया है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्री फायर के उस पुराने दुनिया में ले चलूंगा जो कि फ्री फायर का एक स्वर्ण दिन माना जाता था और सारे लोग एक दूसरे से जुड़े रहते थे और एक दूसरे के साथ खेलते थे और हंसी मजाक करते थे और एक अलग ही दुनिया थी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्री फायर का 17 सबसे यादगार लम्हे के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों के दिलों से जरूर जुड़ा होगा और जो नए प्लेयर हैं उन्हें भी इस बात का पता लग जाएगा कि हमारे उस पुराने दिनों कितना खास हुआ करता था और कितनी अच्छी चीजें हुआ करती थी उस समय की। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 17, गाइस याद करो वो दिन जब फ्री फायर सबसे पहली बार हम लोग खेलना शुरू किए थे तो हर बार उसको अनइंस्टॉल करते थे और फिर से इसको इंस्टॉल करते थे। ऐसा हमारे साथ कई बार हुआ है और आपके साथ भी एक ना एक बार जरूर हुआ होगा जब गेम को फिर से इंस्टॉल करते थे और गेम जब समझ में नहीं आता था, आपको बंदे मार जाते थे तो गुस्सा से उसको डिलीट कर देते थे और फिर से कुछ दिन बाद उसको इंस्टॉल कर लेते थे। नंबर 16, गाइस फ्री फायर जब पहली बार क्लैश स्क्वाड रैंक आया था तो सारे लोग उसमें बहुत ही ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट रखते थे और रैंक मैच को खेलना छोड़ दिए थे। सारे कोई यहाँ पे क्लैश स्क्वाड ही खेलना अच्छा लगता था क्योंकि सामने से चार बंदा आता था और हम लोग भी इधर से चार बंदे जाते थे तो बहुत ही ज्यादा मजा आता था। और सबसे ज्यादा गुस्सा तब लगता था जब उछल उछल के लोग मारते थे और हमें उस वक्त उस तरह का मारने नहीं आता था, हम नूब जैसा खेलते थे और छुपे रहते थे, बंदे को देखते ही मारते थे लेकिन सामने से आके बंदा मार जाता था तो उस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा लगता था। लेकिन वो नया नया क्लैश स्क्वाड खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आता था जहां पर हम लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते थे। नंबर 15, गाइस जब फ्री फायर में न्यू क्लैश स्क्वाड रैंक आया था तो उस समय क्लैश स्क्वाड में एक ही जगहों से लोग हर बार जाते थे और नए-नए जगहों को खोजते थे और कोई भी बंदा अगर ऊपर चढ़ता था तो वो बहुत ही ज्यादा उसको अचंभा लगता था कि आखिरकार वो वहां पे कैसे चढ़ गया, हमें भी चढ़ना है। तो नेक्स्ट राउंड जैसे भी होता था वो सारे लोग वहां पे चढ़ने की कोशिश करने लगते थे। ऐसा मेमोरी पहले के समय में हुआ करता था, कोई भी घर के ऊपर या पेड़ के ऊपर चढ़ता था तो बहुत ही ज्यादा हम लोग शौक होते थे कि आखिरकार ये कैसे कर लिया। नंबर 14, गाइस फ्री फायर में जब सारे लोग यहाँ पे किसी चीज का अवतार या बैनर मिलता था तो हम लोग सोचते थे कि हमारे पास इस तरह का क्यों है, हमारे पास उस तरह का क्यों नहीं है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता था कि क्लैश स्क्वाड में यहाँ पे गोल्ड या फिर सिल्वर पहुंचने पे अवतार बैनर मिलते हैं। लेकिन दूसरों का जब भी हम लोग देखते थे तो उससे सबसे पहले जाके बोलते थे कि हमें भी इस तरह का अवतार बैनर लेना है, हमें भी इस तरह का चीजें रखना है। तो ये सारी चीजें भी एक कमाल की मेमोरी थी जहाँ पे हम लोग अवतार और बैनर के भी बारे में भी नहीं जानते थे कि कहाँ से ये चीज मिलता है, कैसे हम इसे लगाते हैं। नंबर 13, गाइस याद करो वो दिन जब हमारे पास कोई सा भी बंडल नहीं होता था और हम गोल्ड रॉयल पहन के ही कितना ज्यादा खुश होते थे और चाहे कोई स्किन रहे या ना रहे लेकिन हमें यहाँ पे गेम खेलने पे ही बहुत ही ज्यादा मजा आता था। चाहे हमारे पास कोई सा भी ड्रेस ना हो, कोई सा भी गन स्किन नहीं हो, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, हमें बस ये लगता था कि किस तरह से बुया एक करना है, किस तरह से हमें गेम जीतना था। तो हमारे लिए वहाँ पे इम्पोर्टेंट था कि कैसे हम गेम को खेलें। लेकिन आज के समय में जिसके पास भी बंडल होता है वही प्रो कहलाता है, उसी का इज्जत होता है। लेकिन पहले के समय ऐसा नहीं हुआ करता था, सारे लोग एक समान हुआ करते थे। नंबर 12, गाइस याद करो वो दिन जब फ्री फायर में हम लोग सबसे पहले ग्लाइडर देखे थे तो उससे जब हम लोग पहली बार उड़े थे तो हम लोग को कितना ज़्यादा शौक लगा था और कितना ज़्यादा खुश होते थे कि हम यहाँ पे उड़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा खास बात ये होती थी कि हम जब फैक्ट्री पे जाते थे ग्लाइडर की मदद से तो उस चीज़ को करने में हम लोग काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर मानते थे
और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे कि जैसे ही हम ग्लाइडर मिलेगा हम फैक्ट्री के सबसे ऊपर चढ़ेंगे और चढ़ भी जाते थे। तो ये एक कमाल की मेमोरी है जो हम सारे लोगों के दिलों से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा है। लेकिन अभी के समय में ग्लाइडर भी फ्री फायर ने हमसे छीन लिया। नंबर 11 गाइस, वो दिन भी कितने खास थे जब हमारे लिए हयातो ही सबसे बेस्ट करेक्टर हुआ करता था और हयातो का ही ड्रेस पहन के उसका यहाँ पे तलवार का चलाना ही बहुत ही अच्छा मानते थे। उसी को एक इमोट की तरह हम लोग यहाँ पे मानते थे क्योंकि हमारे पास उस वक्त पैसे भी नहीं होते थे और कोई भी इमोट भी नहीं होता था। लेकिन हयातो का करेक्टर लेके ही हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे और ऐसा लगता था कि यही सबसे बेस्ट करेक्टर है, इसके अलावा कोई सा भी नहीं है। लेकिन आज के समय में इतने सारे करेक्टर हो गए कि हमें ये भी समझ में नहीं आता है कि कौन सा लेके खेले और कौन सा लेके नहीं खेले। इतना ज़्यादा चेंजिंग और इतना ज़्यादा बेकार कर दिया है। नंबर 10 गाइस, याद करो वो पल जब फ्री फायर में हम सारे लोगों ने पहली बार डीजे आलोक को लेके खेला तो हमारे चेहरे पे कितनी ज़्यादा खुशी थी क्योंकि डीजे आलोक ऐसा करेक्टर था फ्री फायर में जिसको लेने के लिए हर कोई तरसता था, हर कोई चाहता था कि हमारे पास डीजे आलोक का करेक्टर हो क्योंकि वही फ्री फायर का सबसे बेस्ट और सबसे पावरफुल करेक्टर माना जाता था। तो हम लोगों ने जैसे ही सबसे पहली बार यहाँ पर डीजे आलोक खरीदा था तो सारे लोगों को यहाँ पर दिखाया था, जितने भी हमारे दोस्त थे, करीबी थे, जिसके साथ खेलते थे, सबको यहाँ पे दिखाया करते थे कि हमने यहाँ पे डीजे आलोक ले लिया और सामने वाला का भी रिएक्शन काफी ज्यादा ओपी होता था और हम तो बहुत ही ज्यादा खुश हुए थे जब पहली बार डीजे आलोक को लेके खेले थे। लेकिन आज के समय में अगर कोई भी करेक्टर को लेके खेलते हैं तो उस तरह का क्रेज और उस तरह का यहाँ पे खुशी नहीं मिलती है जिस तरह से हमें पहली बार डीजे आलोक को लेके हुई थी। नंबर 9, वो समय एक ऐसा समय था जहाँ पे फ्री फायर में हम लोग रेयर का मतलब ही नहीं समझते थे कि ये यहाँ पे इस चीज का रेयर माना जाता है, ये बंडल रेयर है। कोई सा भी बंडल अगर हमें दिखता था तो उसे नॉर्मल ही मानते थे, बस बोलते थे कि अच्छा देखने में लगता है, ये नहीं कभी मानते थे। लेकिन फ्री फायर के कुछ यूट्यूबर ने बंडल को इतना ज्यादा क्रेज बना दिया कि हर चीज यहाँ पुराने चीज को रेयर बना दिया, जिससे कि फ्री फायर में यहाँ पे काफी ज्यादा लूटपाट होने लगी, क्राइम होने लगी और यहाँ पे उसी के नाम से ठगी होने लगी और रेयर करके यहाँ पे लोग उसका फायदा उठाने लगे। लेकिन पहले के समय में कुछ भी रेयर नहीं हुआ करता था, हर चीज यहाँ पे नॉर्मल हुई करती थी। नंबर 8 गाइस, फ्री फायर के आज के समय सबसे बेस्ट गन माना जाता है वो है MP40, M1887 और यहाँ पे UMP, ठीक है, और भी इस तरह के दो चार गन हैं जो बेस्ट माने जाते हैं। लेकिन फ्री फायर के उस समय के बेस्ट गन उसे मानते थे जिससे हम लेके खेलते थे और गलती से भी अगर एक हेडशॉट लग जाता था तो वही गन हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट हो जाता था और उसी गन को लेके हमेशा खेलते थे। ऐसा ऐसे हमारी यहाँ पे सोच हुआ करती थी क्योंकि हमें उस समय गन के बारे में कुछ भी समझ नहीं थी, जिससे भी हेडशॉट लग जाता था वही हमारे लिए बेस्ट गन होता था। लेकिन आज के समय जिसका ज़्यादा एट्रीब्यूटेड है, जिसका ज़्यादा यहाँ पे पैसे है, वही यहाँ पे सबसे बेस्ट गन माना जाता है और सबसे पावरफुल गन उसे माना जाता है जिसके पास स्किन हो, जिसके पास ईवो गन हो। लेकिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था, सारे यहाँ पे एक समान हुआ करता था। नंबर 7 गाइस, फ्री फायर में जब रेयर बंडल का चलन चलने लगा उस समय भी लोग काफ़ी ज़्यादा उस बंडल को देखने के लिए एक्साइटेड रहते थे और कोई सा भी गेम में या फिर लॉबी में अगर उस रेयर बंडल यानी कि सकुरा, हिप हॉप या क्रिमिनल बंडल हमें दिख जाता था तो हम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे शौक होते थे और उसके साथ खेलने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। लेकिन आज का समय ऐसा हो गया अगर कोई सा भी बंडल यहाँ पे हमें देखने को मिल जाए, रेयर बंडल, पुराना बंडल, तो हमें उतना ज़्यादा अचंभा नहीं होता है क्योंकि फ्री फायर के सारे रेयर बंडल को वापस ला दिया और रिटर्न में ला दिया जिससे कि सारा रेयरिटी खत्म हुआ और उस तरह का जो एक क्रेज हुआ करता था वो भी अब पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। नंबर 6 का याद करो वो दिन जब फ्री फायर में हम लोगों ने पहली बार कस्टम को यहाँ पे खेलना शुरू किया और गिल्ड के बारे में जानना शुरू किया तो हम लोग सारे लोग यहाँ पे एक एक गिल्ड बनाते थे और उसमें यहाँ पे 10 से 12 नूब आईडी को ऐड करते थे और सारे दोस्तों यहाँ पे 4 या 5 दोस्त जो मिलते थे वही यहाँ पे पूरा दिन मिल के ग्लोरी को फुल करते थे और हमारे पास 5-6 कस्टम हुआ जाता था। 10 कस्टम टोटल सारे दोस्तों के पास मिला के 10 से 15 कस्टम हो जाता था जो कि अलग अलग टाइम पर हम लोग खेलते थे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लगता था कस्टम खेलने में। लेकिन आज के समय में हर एक इवेंट में हमें यहाँ पे इन्फिनिटी कस्टम कार्ड दिया जाता है जिससे कि पूरा का पूरा कस्टम कार्ड का और कस्टम रूम का यहाँ पे क्रेज खत्म हो गया और उस तरह से खेलने में मज़ा नहीं आता है जिस तरह से पहले यहाँ पे कस्टम रूम खेलने में मज़ा आता था। नंबर 5 गाइस, याद करो वो दिन जब फ्री फायर में हम लोगों ने पहली बार रैंकेड खेलना शुरू किया था तो जितना भी कर लो यहाँ पे कोशिश हम लोग यहाँ पे सिल्वर, प्लेटिनम या फिर गोल्ड में ही रह जाते थे, डायमंड भी बहुत ही मुश्किल से जाते थे और अगर पूरा गेम खेल
खेलते थे, अच्छे अच्छे लोगों के साथ खेलते थे, तो डायमंड 1 में जाते थे, 2 में जाते थे, हीरोइक कभी नहीं जा पाते थे और हमेशा ट्राई करते थे कि हीरोइक जाना। लेकिन हमारे लिए वहाँ जो कॉन्स्टेंट जो रैंक होता था वो होता था यहाँ पर प्लेटिनम, प्लेटिनम ही हम लोग ज़्यादातर रहते थे, डायमंड भी नहीं जाते थे। लेकिन आज के समय में रिवाइव सिस्टम आके हर चीज़ बिगाड़ दिया गया है और सारे लोग यहाँ पे हीरोइक तो छोड़ो मास्टर और ग्रैंड मास्टर तक पहुँच जाते हैं, लेकिन पहले के समय में हीरोइक जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था। नंबर 4 गाइज, वो दिन भी कितने अच्छे थे जहाँ पे ना हम लोगों को हेडशॉट मारने आता था, ना वन टैप मारने आता था, ना ड्रैग हेडशॉट, ना सेटअप ग्लूवल लगाना, ना इमोट दिखाना आता था, ना इमोट दिखाते थे और ना इमोट हेडशॉट मारने आता था, कुछ भी चीज़ हमारे लिए यहाँ पे नहीं आता था, ठीक है। लेकिन आज के समय में हर चीज़ ला के गेम को पूरी तरीके से अनबैलेंस कर दिया है, लोग आसानी से हेडशॉट मारते हैं, वन टैप मारते हैं, हर कोई यहाँ पे राइस्टार बना फिरते हैं, लेकिन पहले के समय ऐसा नहीं होता था। पहले के समय में बॉडी शॉट ही मार के खुश होते थे, लेकिन आज के समय में पूरा का पूरा यहाँ पे सिनेरियो बदल गया। नंबर 3 गाइस, पहले के दिन कितना अच्छा हुआ करता था, ना कोई हैक होता था, ना कोई ग्लिच होता था, ना कोई पिंग इशू होता था, कुछ भी गेम में दिक्कत नहीं होता था। लेकिन आज के समय में ऐसा गेम बन चुका है, अगर आप ग्लूवल लगाओगे तो फिर भी नॉक हो जाओगे, ग्लूवल लगाने के बावजूद भी आर पार डैमेज चला जाता है, ग्लूवल लगाओ तो यहाँ आसानी से तोड़ देते हैं करेक्टर के मदद को लेके। लेकिन पहला ऐसा कुछ भी नहीं था, एक जैसा गेम लगता था, ना कोई ग्लिच, ना कोई हैक, बहुत ही अच्छा गेम और बहुत ही ज़्यादा वातावरण शुद्ध लगता था। लेकिन आज के समय में एकदम से यहाँ पे बेकार वातावरण लगता है, क्योंकि आज के समय लोग हैक लगा के रैंक पुश करते हैं, ग्लिच की मदद से ग्रैंड मास्टर तक पहुँच जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था। नंबर 2 गज, याद करो वो दिन जब फ्री फायर में नया नया गेम खेलना शुरू किए थे, ना आपको ग्रेनेड फेंकने आता था, ना ग्लूवल लगाने आता था, और बहुत ही ज़्यादा प्रयास करते थे, तो धीरे धीरे आप ग्रेनेड लगाना तो सीख, ग्रेनेड फेंकना तो सीख गए होंगे। लेकिन यहाँ पे आपके लिए ग्लूवल लगाना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता था, क्योंकि ग्लूवल लगाना हमारे लिए बहुत ही टफ काम होती थी। और जब भी हम लोग रैंक मैच खेलते थे या क्लैश स्क्वाड खेलते थे, तो अपने यहाँ से बैग से ग्लूवल दूसरों को निकाल के दे देते थे, या तो फेंक देते थे, या हमारे पास रहता भी था तो उसको यूज नहीं कर पाते थे, क्योंकि ग्लूवल लगाना उसमें बहुत ही ज़्यादा टफ होती थी। लेकिन आज के समय में हर कोई बच्चा यहाँ पे फास्ट ग्लूवल लगाता है और इजीली तरीके से ग्लूवल लगा लेता था, लेकिन पहले ये चीज़ कितना मुश्किल होती थी और यही चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी। उस मेमोरी को याद करते तो हमें बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलती है। नंबर 1 गाइस, फ्री फायर का जो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट मेमोरी और सबसे ज़्यादा इमोशनल मेमोरी जो सबके दिलों में जगता है, वो है फ्री फायर का पुराना थीम सॉन्ग। जब भी वो थीम सॉन्ग सुनते हैं तो हर वो पुराने चीज़ याद आ जाती है जो हम फ्री फायर में पहली बार करते थे। तो वो पुराने थीम सॉन्ग जरूर सुनना, जिसके सुनने के बाद वो सारे पुरानी चीज़ आपको याद आ जाएगी जो आपने फ्री फायर सबसे पहले खेलना शुरू किए थे 2018-19 का। तो गाइस, इस वाले सॉन्ग सुन के आपको उस पुराने दिन में कुछ ना कुछ जरूर याद आया होगा जब आप पहली बार फ्री फायर में कदम रखे होंगे। तो गाइस, ये था फ्री फायर के कुछ पुराने लम्हे और कुछ पुराने यादें जो आपके दिलों में जरूर यहाँ पे बैठी होगी, और जो नए प्लेयर है उसको भी यहाँ पे अंदाज़ा लग गया होगा कि फ्री फायर के वो पुराने दिन कितने ही स्वर्ण दिन हुआ करते थे और लोग कितना इन्जॉय करते थे। लेकिन आज के समय में हर चीज़ बदल गया है, अब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो इन सारे यादों में आपको सबसे अच्छा यादें कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताना, और आप अपना भी मेमोरी जरूर बताना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करूंगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेगा। और अगर हमसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया है, सेकेंड चैनल का भी लिंक दे दिया है, जिससे मैं अलग अलग वीडियो डालता हूँ, तो वो सारे चीज़ों को भी फॉलो कर सकते हो, उस पर भी आपको ऐसे ही तगड़ी तगड़ी वीडियो मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।